फिरोजाबाद के सिसागंज में CBSE बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्र छात्राओं को मिठाई एवं फूल माला पहनाकर किया गया सम्मानित। वहीं स्कूल के प्रबंध निदेशक देव शरण आर्य ने बताया कि स्कूल का परिणाम 100% रहा है। उन्होंने सभी सफल बच्चों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करते हुए मुंह मीठा कराया और उज्जवल भविष्य की कामना की है। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। आज CBSE 12 का रिजल्ट आया हुआ है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमें उम्मीद थी उससे अच्छा परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दिया है और इनमें जो भी बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं ये सब हमारे टॉपर्स हैं, सिरसागंज के टॉपर्स हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ इन्होंने स्कूल का नाम, हमारा नाम, अपने घर का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे ऐसे ही ये जिस क्षेत्र में भी जाएं, जिसमें भी फैकल्टी में जाएं, वहाँ पे ऐसे ही अपना नाम, अपने घर का नाम, स्कूल का नाम। सर जी, आपके स्कूल का ये बेहतरीन रिजल्ट आया है, इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? हम इसका श्रेय हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे। उन्होंने बेतोड़ मेहनत की इनके साथ, हमारे बच्चों के साथ, बच्चों ने भी अपने सर और मैम के साथ बहुत अच्छे से ट्यूनिंग मिला के बहुत अच्छे से काम किया और अच्छे से पढ़ाई की, इसका आज ये परिणाम सामने आया है। आज आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, आगे क्या प्लान है और इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैंने आगे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करूंगी, इसके बाद DU में एडमिशन लेने का सोचा है। इसके बाद जैसा जैसा होता जाएगा मैं अपना करती जाऊंगी। मैं अपने क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी सबसे पहले, और इसके बाद सभी टीचर्स को देना चाहूंगी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इस परीक्षा के लिए आपने कितनी मेहनत की? मैंने अपना पूरा 100% दिया है, हर बार मैं अपना पूरा देने की कोशिश करती हूँ, और फिर अगर नहीं आया तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपना पूरा दिया और हमेशा पूरा देने की कोशिश करती हूँ। आपको लगता है आपकी मेहनत के अनुसार ही आपका रिजल्ट आया है? जी, जैसे मैंने मेहनत की थी वैसे ही आया है और अच्छा आया है बल्कि।